राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हैं कार्तिक कस्टम्स। तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो बेसिकली आप पूछेंगे छत्तीसगढ़ के एपिसोड क्यों नहीं आया, तो वो हमारा आता रहेगा, बट हम ब्लॉगिंग करना भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो हम अपने सिटी जबलपुर वापस आ गए हैं, तो अल्टरनेटिव आपको ब्लॉग भी देखने को मिल जाएंगे और एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आएगा एपिसोड 2 और एपिसोड 1 को आपने इतना प्यार किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत ही जल्द एपिसोड 2 भी आने वाला है, बट फिलहाल अभी के लिए हम इसलिए जा रहे थे कि एक प्रॉब्लम आ गई थी हमारी गाड़ी में, जो इसकी ऑयल सील रहती है ना, पेट्रोल की जो सील, वो ख़राब हो गई थी। तो देख रहे हो पूरा पेट्रोल पूरा यहाँ पे कचड़ा हो गया है, पूरा गंदा हो गया है। तो मुझे ये ठीक करवाना था, उसलिए भी जा रहा हूँ, और सामने का ब्रेक पैड भी मुझे चेंज कराना था। तो DIY एक चीप तरीका है, 3 times चीपर होगा हमारे स्टॉक OEM ब्रेक से। तो वही उसी के बारे में आज व्लॉग में होने जा रहा है। तो ये व्लॉग आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, कल ही, मतलब आज ही आपको दिख रहा होगा ये। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और बाकी GT ने भी कंप्लीट कर लिया था लगभग 1200 किलोमीटर। गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अमरकंटक के बाद से मीटर केबल में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मीटर स्पीडोमीटर डिफ्लेक्ट होने लगा था, जिससे वो आए ही नहीं रीडिंग कुछ भी। तो अभी चल रहे हैं सीधे हम शोरूम। और छत्तीसगढ़ की सीरीज़ को आप ऐसा ही प्यार देते रहना, काफ़ी अच्छा लगता है। और सोच ही रहा हूँ नेक्स्ट मंथ भी कहीं चले जाऊँ, बट भैया की शादी भी है नवंबर में, तो देखते हैं शायद नेक्स्ट मंथ का एक कोई छोटा सा ट्रिप बनाता हूँ कि आसपास वहाँ पे भी घूम लेंगे। MP का ही सोचता हूँ, MP में ही कहीं निकल जाता हूँ। बाकी काफ़ी मज़ा आया भाई, पूरा एक हफ्ते का हमारा टूर था। हमारा जबलपुर और रॉयल एनफील्ड शोरूम के पहले भी एक और शोरूम हमें जाना है, वो है जावा का। और अब हम जावा के शोरूम क्यों जा रहे हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में गेस कर सकते हो। लकी विनर को मिलेगा हमारी तरफ से एक हार्ट उनके कमेंट पर। अरे भाई कब बनेगा यहाँ ब्रिज यार, भाई इतना जाम, बर्रा कंट्रोल। यहाँ तिरंगा यात्रा हो रही है और आम जनता परेशान हो रही है, जैसे कि हम इतना जाम लगा के रखा है, बताओ मुंबई बना दिया हमारे खूबसूरत जबलपुर को। लाइन पे लाइन। हे भगवान, कब पहुँचेंगे शोरूम। हाँ भाई जाओ। नमस्ते अंकल, नमस्ते चाचा। ऑलराइट, तो अभी हम आ गए हैं अपने मायके में गाड़ी के। राजू भैया इसकी पेट्रोल सील टूट गई है, अब क्या पता, हम तो पूरा छत्तीसगढ़ घूम के आ रहे, पूरा बाहर जा रहा है। तो भाई पाँच सर से बात हुई थी, बोले भैया लगवा देंगे। देखो ना पूरा टैंक गंदा हो गया, पीला हो गया। अभी पूरा 1200 किलोमीटर चला के आए हैं। 5 minutes later। तो भाई यहाँ के हमारे सर्विस ने तो बोला है कि इसका पूरा वारंटी क्लेम होगा, सारे लॉक सेट चेंज हो गए। अगर उन लोग ने सोचा था कि मेरे ख्याल से नीचे वाला जो ऑयल सील रहती है वो कटी है, बट ये ऊपर का पूरा कैप सहित है, तो ये तो मेरे को पता ही था कि इसका पूरा वारंटी क्लेम होता है तो टोटल पूरा चेंज होता है। तो वही इन्हें बोला कि पार्ट्स हैं अभी, बट आपको अभी पूरा क्लेम करना पड़ेगा, तो 2 से 3 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। बट अभी तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी 1-2 दिन मुझे काम है, तो मैं आऊँगा। वेडनेसडे की बात हो गई, वेडनेसडे को छोड़ेंगे तो लगभग सैटरडे तक मिल जाएगा, सारे लॉक चेंज जाएंगे, ये और साइड के पल्ले के भी। तो अब देखते हैं भाई, वारंटी में है जब तक गाड़ी, तो भाई काम करवा ही लो, और क्या कह सकते हैं। एक बार में रॉयल एनफील्ड में काम क्यों नहीं होता है साला। 5 minutes later। और तो फिर फाइनली ले लिए हैं जावा के शोरूम से, ऑर्डर पे था अभी तो आ गया इनके पास ऑन द स्टॉक। अब ये क्या है ये सीधे आपको घर चल के वीडियो में बताते हैं, और इसका शायद अलग से भी वीडियो हम बना सकते हैं,
तो एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा हमारा यूट्यूब पे। हाँ भाई, जाम से निकले, एक तो एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, चलो हमारे ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा इंतज़ाम किया और उनको निकाला, और हम भी जावा के शोरूम पैदल ही चले गए, और जब तक गाड़ी के पास आए तो चलो थोड़ा माहौल ठीक हो गया। तो वो क्या है, जावा की एक्सेसरीज जो हम लगाएंगे अपनी जीटी पे, तो उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, तो मैं सोचा, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, मेन चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, तो वो लगाना ही है और वीडियो बनाना ही है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अब सीधे चलते हैं होंडा के शोरूम, वहाँ से भी एक चीज़ लेना है बहुत ज़रूरी, तो वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो फिर अब हम आ गए हैं होंडा के शोरूम। तो यहाँ हमारे स्पेयर पार्ट से काम था, तो स्पेयर पार्ट का काम ये था कि हम लोग ब्रेक पैड लेने जा रहे हैं, तो जो कि कॉन्टीनेंटल जीटी में ब्रेक पैड आते हैं कंपनी फिटेड, तो उसका प्राइस है लगभग 3,27,750 ऐसा समथिंग का, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और EBC ब्रेक्स भी हैं, वो भी 2500-2600 के रहते हैं, बट मैं आपको एक चीप ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ब्रेक पैड्स भी ओरिजिनल बाइबरी के हैं और डायमेंशंस भी सेम हैं, तो वही चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कॉलर। तो फिर ये रहा होंडा CBR 250 का नॉन ABS का ब्रेक पैड, जो कि ओरिजिनल बाइबर का ही है। ऑलराइट, तो फिर ब्रेक पैड हमने ले लिया है, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधे घर चलते हैं, फ्रंट ब्रेक चेंज करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रेक पैड भी दो बार बदल चुका है, मतलब एक बार बदल चुका है, तो अब उसका टाइम आ गया है, तो सीधे मिलते हैं अब आपको घर पे। ऑलराइट गाइस, तो फिर फाइनली घर आ गए हैं। तो जो ये ब्रेक पैड है, ये CBR 250R का फ्रंट है नॉन ABS बाइक का, तो ये मैंने कुछ लिया है 834 रुपीज़ का, और जो आपको कंपनी का मिलता है रॉयल इनफील्ड का, वो कम से कम आपको 3,000 का पड़ेगा, 2,700 रुपये का। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो ये जो कंपनी देता है, ये ब्रेम्बो देता है, तो इसकी ज़रूर हाई क्वालिटी रहती है, बट इससे 3 times चीपर है, बट ये भी क्वालिटी का है, बाइबर का ही है, तो इसमें कोई क्वालिटी वाइज कंपेयर नहीं है, बट ये है कि चलो ठीक है, ये अगर 6,000 किलोमीटर चल सकता है तो ये 5,000 चलेगा, लेकिन हमारा काम अभी इससे हो सकता है, तो यही दोनों सारी चीज़ सब आइडेंटिकल है, तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ से उसकी रॉड निकाल के और वो निकाल के क्लिप निकाल के इसको पूरा बाहर निकाल दिया है, और फिर ये चीज़ इंस्टॉल करते हैं। अभी इसमें हालांकि लाइफ थोड़ी बची है, ये जैसे कि न्यू है और ये कम है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी लाइफ बची थी ओरिजिनल में, बट क्योंकि कम से कम 7,000 किलोमीटर चला दिया था, पहला मैंने 8,000 पे चेंज कराया था, फिर 8,000 से अभी गाड़ी 15,000 हो गई है, तो कंपनी का लगभग 7,500 किलोमीटर चल जाता है, और अभी भी मेरे ख्याल से 1,000 किलोमीटर चल जाएगा, बट अब चेंज करते हैं, इसको लगाते हैं, तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है, आप होंडा के शोरूम जाके ले सकते हैं, तो 850-830 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। और रेयर में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेयर में क्योंकि मेनली ब्रेकिंग जो होती है वो फ्रंट ब्रेकिंग होती है इसमें गाड़ी की, 70-30% यूज़ होता है, मेजरली 70% आगे का ब्रेक, रेयर का 30, तो उसमें भी जो है शायद 1700 या 1800 का कंपनी में है रेयर का, तो उसकी जगह आप स्विच कर सकते हैं, उसमें बहुत ही सस्ता और चीप ऑप्शन है कि Pulsar 220 का आप बाइबर का ही ओरिजिनल आप ले सकते हैं, वो आपको 280 या 250 रुपये का ही पड़ेगा, तो कम से कम आपका 70-80% ऑफ, तो बाइबर का ही ओरिजिनल इसमें डाला हुआ है, क्योंकि ये सेम कैलिपर आप देख सकते हैं बाइबर का, और यही सेम कैलिपर हमारी पल्सर में भी लगा है, यही सेम कैलिपर वो भी है, तो इसका डिस्क पैड हम उसमें लगा सकते हैं, तो जिससे रेयर का मतलब मान लीजिए 250 रुपये और यहाँ का 830 रुपये, मतलब 1100 रुपये में आपका पूरा कॉम्बो सेट हो जाएगा डिस्क पैड का, तो है ना, ये कमाल वाली बात। तो बाकी आप लगा सकते हैं, पिछले से ब्रेकिंग में कोई वो नहीं है कि कुछ डाउन साइड है, पीछे का भी वर्किंग था, अब ये आगे का लगा के देखते हैं कि कैसा ब्रेक वर्क करता है। ओके भाई, तो जैसे कि लग गया है दोनों साइड, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे भी लग गया है, इस चीज़ को भी हमको अच्छे से दबा देना है, तो वो सेट हो जाएगा, सेम इस साइड पे भी लग गया है अच्छे से, यहाँ दोनों आप देख रहे हैं, बस अब हमको ये क्लिप लगाना है और गेट टू गो। हाय गुगी, हे गुगी, तुमको हम कितना मिस किए यार। तो फाइनली गाइस, चालू हो गया है, मतलब लग गया है ब्रेक पैड, इसमें थोड़ी जान बची थी, बट इसको सेफ्टी के लिए रख लेते हैं, कभी ना कभी काम आएगा। बाकी इंस्टॉल हो गया है ब्रेक्स, अब इसको हम लीवर दबाते हैं, सही है भाई, प्रेशर भी आ गया है, अब बाकी रोड पे हम टेस्ट करेंगे कि भाई कैसा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, मुझे तो लेकिन कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, अभी अच्छे से प्रेशर ले लिया, क्योंकि वो वाला थोड़ा डैमेज हो गया था, कहीं साइड से वेयर एंड टेयर हो गया था, ये देखिए ये साइड से चटक अटक गया था, तो इसकी लाइफ आ गई थी,
तो अब भाई नया ब्रेक पैड लगा दिए और मेन भाई ब्रेक्स फ्रंट के तो होने ही चाहिए, स्टॉपिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, होप आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो फिर मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।